हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकिपीडिया क्लासेस। दिस इज़ मोहित आनंद और आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे इकोनॉमिक्स के। पार्ट सेकंड, पार्ट वन की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप उसको देख सकते हैं। इसमें भी हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमी के जो हैं वो डिस्कस करेंगे और ये आपको सभी एग्ज़ाम्स में काम आएगा, चाहे वो UPSC हो, स्टेट PSC हो, SSC हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, आपको काम आएगा। सो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दें वीडियो चैनल को, ताकि ऐसी वीडियोस और भी आपको मिलती रहेंगी। सो लेट स्टार्ट एंड टेक द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड एज हार्ड करेंसी। अब हार्ड करेंसी क्या होती है? बिल्कुल सिंपल सेंस में अगर मैं बोलूँ तो हार्ड करेंसी वो करेंसी होती है जो इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ होती है। और इंटरनेशनल ट्रेड में ये यूज़ इसलिए होती है क्योंकि ये कंपैरेटिवली इसकी वैल्यू स्टेबल रहती है। सो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हार्ड करेंसी, सेफ हैवन करेंसी और स्ट्रॉन्ग करेंसी इज़ एनी ग्लोबली ट्रेडेड करेंसी दैट सर्व्स एज अ रिलायबल एंड स्टेबल स्टोर ऑफ वैल्यू। तो इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती, स्टेबल रहती है और एट द सेम टाइम ये वर्ल्ड ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ होती है। जैसे कि हम बात करें US डॉलर की, सो US डॉलर को मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, इट इज़ अ हार्ड करेंसी। नेक्स्ट इज सॉफ्ट करेंसी। अब सॉफ्ट करेंसी बिल्कुल इसका उल्टा होगा, वो करेंसी जिसकी वैल्यू जो है वो बड़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। वैल्यू दैट फ्लक्चुएट्स प्रीडोमिनेंटली लोअर रिलेटिव टू अदर करेंसीज बिकॉज देर इज़ लेस डिमांड फॉर दैट करेंसी इन द फॉरेक्स मार्केट। तो क्योंकि फॉरेन ट्रेड में ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती, इसलिए इसकी डिमांड भी जो है वो काफ़ी कम होती है और वो डिमांड जो है वो बहुत कम इस वजह से हो सकती है उस कंट्री के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से। तो आप देखते हैं जिस भी कंट्री में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, वहाँ की करेंसी भी धीरे धीरे जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होने लगती है, तो वो हार्ड करेंसी की कैटेगरी में आ सकती है। बट वो कंट्रीज जहाँ पे पॉलिटिकल या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, जहाँ या जहाँ अनसर्टेनिटीज़ हैं, उस केस में वहाँ की करेंसीज जो हैं दे आर वेरी फ्लक्चुएटिंग एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज सॉफ्ट करेंसीज। नेक्स्ट बात आती है एस्क्रो अकाउंट। तो एस्क्रो अकाउंट बेसिकली एक थर्ड पार्टी अकाउंट होता है। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन करनी है दो पार्टीज़ ने आपस में, फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होनी है, तो ये डायरेक्ट ना होते हुए किसी एक थर्ड अकाउंट से होंगी एंड दैट अकाउंट वुड बी सी। तो ये जो थर्ड पार्टी अकाउंट है जो दो के बीच में ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करता है, उसको एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। तो देखो, एन एस्क्रो इज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट इन विच अ थर्ड पार्टी रिसीव्स एंड डिसबर्सिस मनी और प्रॉपर्टी फॉर द प्राइमरी ट्रांजेक्टिंग पार्टीज़। तो जो बेसिक प्राइमरी ट्रांजेक्टिंग पार्टीज़ है ए और बी, इनके लिए सारी डिसबर्सिंग और पेमेंट रिसीव कौन कर रहा है? सी, विद द डिसबर्समेंट डिपेंडेंट ऑन कंडीशंस एग्रीड बाय द ट्रांजेक्टिंग पार्टीज़। तो हो अग्रीमेंट इन दोनों के बीच होगा, जो भी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होंगे वो ए और बी के बीच में होंगे, बस पैसे का जो लेन देन है या प्रॉपर्टी का जो लेन देन है वो डायरेक्ट ना होते हुए वो इनडायरेक्टली होगा। मतलब अगर ए ने बी को 100 रुपया देना है तो वो डायरेक्टली बी के अकाउंट में नहीं देगा, ए जो है वो सी के अकाउंट में डिपॉजिट करवाएगा एंड सी जो है वो फिर ट्रांसफ़र कर देगा बी को। तो इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका पैसा सेफ रहता है और दूसरा जो है वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व जब उसके बीच में रहेगी तो चीटिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज एस्क्रो अकाउंट। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। सो इट इज़ अ मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक फॉर मेंटेनिंग प्राइस लेवल एट अ सर्टेन लेवल और विद इन अ रेंज। तो देखिए, आप सबको पता है कि जो भी सेंट्रल बैंक होता है कंट्री का, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के केस में RBI है, RBI का टारगेट दे रखा है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4% प्लस माइनस 2% रहना चाहिए अप टू 31 मार्च 2026 तक। तो अब देखिए, 4 प्लस माइनस 2 का मतलब है कि इन्फ्लेशन जो है वो 2% से कम नहीं जानी चाहिए और 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इन्फ्लेशन का टारगेट इन्होंने रखा है 2% to 6%। दिस इज़ कॉल्ड एज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। सो इट इज़ अ मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रैटेजी। और इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता कौन है? दैट इज़ डन बाय द सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट इज़ बेस रेट। तो हर बैंक का एक ना बेस रेट होता है जिसको MCLR भी बोला जाता है। तो जब भी आप बैंक से कोई लोन लेते हैं, इफ़ यू गो टू अ बैंक, बैंक विल गिव यू अ लोन। अब लोन किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा
वो बैंक ने सेट किया होता, वो कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, बस वहाँ पे एक रेट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज बेस रेट। बेस रेट वो रेट है जिस रेट के अंडर बैंक कभी भी लोन नहीं देता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बैंक ने अपना बेस रेट 8% रखा है, तो वो जितनी भी लेंडिंग करेगा उसका मिनिमम इंटरेस्ट रेट 8% होगा ही होगा, उसके प्लस 2% +3% हो सकता है उस तरह से। सो इट इज़ द मिनिमम इंटरेस्ट रेट एट विच अ बैंक कैन लैंड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, यही MCLR, दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। बिलो दिस रेट अ बैंक कैन नॉट लेंड, तो इस रेट से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक जो है वो लेंडिंग नहीं करता। नेक्स्ट इज़ बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अगर बी को पैसा, बी से पैसा लेना है, तो बी से वो उधार लेगा, लेट अस एज्यूम वो लोन लेगा या वो बोरो करेगा, और उसके बदले में ए जो है वो बी को इशू करेगा एक बॉन्ड। तो बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लिखा होता है कि कितना पैसा लिया गया है, कितनी देर के लिए लिया गया है, और जब रिटर्न किया जाएगा तो किस रेट पे रिटर्न किया जाएगा। तो बॉन्ड बेसिकली इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोमिसज द फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ मोनिटरी रिटर्न ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो वही कि हाउ मच मनी ली गई है, फॉर हाउ मच पीरियड, कितने देर के लिए ली गई है, एट हाउ मच इंटरेस्ट, तो फ्यूचर में कितना पैसा वापस दिया जाएगा, वो जिस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है दैट इज़ कॉल्ड एज बॉन्ड। ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम नैरो मनी की। नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान में रखना है। सो नैरो मनी इज़ अ कैटेगरी ऑफ मनी सप्लाई दैट इंक्लूड्स ऑल द रियल मनी हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक कंट्री का जो है उसके पास जितनी भी एक्चुअल मनी पड़ी हुई है दैट इज़ कॉल्ड एज नैरो मनी। अब नैरो मनी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, M1 और M2 में। अब M1 और M2 क्या है ध्यान रखिएगा। M1 डिनोट्स करेंसी नोट्स और कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक, लोगों के पास जो करेंसी नोट्स हैं और कॉइन्स हैं वो, प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स के पास जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब है करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा हुआ है वो सारा का सारा जो है वो M1 में आएगा। और इसके अलावा इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल बैंक डिपॉजिट्स विद RBI। तो बैंकों का जो पैसा RBI के पास है इन द फॉर्म ऑफ CRR वो भी इंक्लूड होता है M1 की कैटेगरी में। तो M1 की कैटेगरी में लोगों के पास जितना पैसा है, कमर्शियल बैंक्स के पास जितना डिमांड डिपॉजिट है, और RBI के पास जितना पैसा है बैंकों का, वो सारा मिला के M1 बनता है। ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में सीधी सीधी पूछते हैं। बात करें M2 की, तो M2 में M1 वाला सारा आएगा, प्लस से पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग बैंक है, आपको आपको ध्यान हो तो पोस्ट ऑफिस में भी आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आपका जो पैसा पोस्ट ऑफिस में पड़ा हुआ है वो अगर आप इंक्लूड कर देंगे M1 में, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज M2। तो ये M1 और M2 की डेफिनेशन जो है ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद आती है ब्रॉड मनी। अब ब्रॉड मनी क्या है? अ कैटेगरी फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ मनी सर्क्यूलेटिंग इन द इकॉनमी। तो हमारी पूरी इकॉनमी में कितना पैसा है दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रॉड मनी। नैरो मनी जो है वो सिर्फ देखता है कि हमारे सेंट्रल बैंक के पास कितना पैसा है, और ब्रॉड मनी है वो देखता है कि हमारी पूरी इकॉनमी में कितना पैसा है। इट इज़ डिफाइंड एज द मोस्ट इंक्लूसिव मैथड ऑफ कैलकुलेटिंग अ गिवन कंट्रीज मनी सप्लाई एंड इंक्लूड्स नैरो मनी अलॉन्ग विद अदर एसेट्स दैट कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इन टू कैश टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसने बोला ब्रॉड मनी में नैरो मनी तो आती ही है, बट उसके साथ और भी ऐसे एसेट्स आती हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ब्रॉड मनी को हमने डिफाइन किया M3 और M4 की कैटेगरी में। सो M3 का मतलब है M1। M1 मतलब वही जो सारा का सारा लोगों के पास जो पैसा है, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स के पास जो डिमांड डिपॉजिट है, और RBI के पास जो कमर्शियल बैंक्स का पैसा वो आ गया M1। उसके साथ अगर हम टाइम डिपॉजिट्स भी कमर्शियल बैंक के देख लें, टाइम डिपॉजिट्स का मतलब है जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है या रेकरिंग डिपॉजिट होता है। देखिए टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में फ़र्क क्या है।
टाइम डिपॉजिट बैंक ने एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद पे करने होते हैं। जैसे आप एफडी करवा रहे हैं तो आप एफडी 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए करवाते हैं। रेकरिंग भी 5 साल, 10 साल के लिए होती है। तो ये एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद पे करना होता है, जबकि डिमांड डिपॉजिट जो है वो बैंक ने इमीडिएटली पे करने होते हैं। जैसे डिमांड डिपॉजिट में आ गया सेविंग बैंक अकाउंट, तो आपका सेविंग बैंक है, आप बैंक में जाते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे 2,000 3,000 निकालना, तो ऑन डिमांड बैंक को वो आपको देना पड़ेगा। तो जब आप M1 में डिमांड टाइम डिपॉजिट्स भी इंक्लूड कर देते हो तो वो बन जाता है M3, और फिर लास्ट आता है M4। M4 जो है उसमें M3 मतलब ये सारा, प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन के पास सारे डिपॉजिट जो भी पड़े हुए हैं, सिर्फ सेविंग नहीं बाकी भी जितने डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग जो भी उसके पास पड़ा है वो सब आप जब इंक्लूड कर देते हैं तो वो बन जाता है आपका M4। इनमें से आपको ध्यान रखना कि M1 इज़ मोस्ट लिक्विड फॉर्म एंड ईजिएस्ट फॉर ट्रांजेक्शन। तो M1 क्योंकि वो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में और बैंक में पड़ा हुआ, तो आप उसको सबसे इजीली कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो और वो ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। बट अगर बात करें M4 की, तो वो सबसे कम लिक्विड है क्योंकि उसमें टाइम डिपॉजिट सारे इंक्लूड हो जाते हैं और टाइम डिपॉजिट एक टाइम के बाद ही आपको कैश में मिलते हैं। और M3 जो है इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। सबसे कॉमनली यूज्ड जो है वो M3 है, क्योंकि इसमें आपके नेट टाइम डिपॉजिट्स भी आ गए, डिमांड डिपॉजिट्स भी आ गए, उसके बाद लोगों के पास जो करेंसी है पब्लिक के पास वो भी आ गई, और उसके साथ RBI के पास जो डिपॉजिट्स हैं वो भी आ गए। तो ये इजीली जो है ये सारे ट्रांजेक्शन्स में यूज़ हो सकते हैं, और इसी को बोला जाता है एग्रीगेट मोनिटरी रिसोर्सेज। तो M3 इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रीगेट मोनिटरी रिसोर्सेज। तो ये आप ब्रॉड मनी और नैरो मनी के बारे में ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज करेंसी डिपॉजिट रेशियो। नाउ व्हाट इज दिस? द करेंसी डिपॉजिट रेशियो इज द रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन करेंसी टू दैट दे होल्ड इन बैंक डिपॉजिट्स। तो मैं सिंपली आपको बताऊं कि अगर एक आदमी के पास 100 रुपया है, तो उसने अगर 50 या 60 रुपये बैंक में जमा करवा दिए और 40 रुपये उसने कैश रख लिया अपने पास, तो जब हम इसकी रेशियो निकालेंगे यानी जितनी उसके पास कैश है बाय जितना उसने बैंक में रखा है, तो दिस रेशियो इज़ कॉल्ड एज करेंसी डिपॉजिट रेशियो। तो अगर करेंसी डिपॉजिट रेशियो जो है वो ज़्यादा होगी, इसका मतलब लोग कैश को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू डिपॉजिट्स। और अगर करेंसी डिपॉजिट रेशियो जो है वो कम है, इसका मतलब है लोग डिपॉजिट ज़्यादा करवा रहे हैं और कैश को कम प्रेफरेंस दे रहे हैं। इट रिफ्लेक्ट्स पीपल्स प्रेफरेंस फॉर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कैश के लिए। तो अगर लोग करेंसी डिपॉजिट रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब है कि लोग अपने पास कैश ज़्यादा रख रहे हैं, और जितना ज़्यादा करेंसी डिपॉजिट रेशियो होगा उतना कम मनी मल्टीप्लायर होता है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिक है, समझा देता हूँ। देखिए, करेंसी डिपॉजिट रेशियो अगर ज़्यादा है, इसका मतलब है कि लोगों के पास कैश ज़्यादा है और बैंक में जो पैसा है वो कम है। अब अगर बैंक में पैसा कम है तो बैंक जो है वो लेंडिंग भी कम करेगा। अगर बैंक लेंडिंग कम करेगा, लोन कम देगा, तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, क्योंकि लोग इन लोन लेके ही तो आगे अपना खर्चा करते हैं, अपनी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो अल्टीमेटली GDP पे इफेक्ट पड़ेगा, GDP भी कम होगी। और अगर करेंसी डिपॉजिट रेशियो आपकी कम है, इसका मतलब लोगों के पास कैश कम है और बैंक में पैसा जो है वो ज़्यादा है। जब बैंक के पास पैसा ज़्यादा होगा तो लेंडिंग ज़्यादा करेगा, जब लेंडिंग ज़्यादा करेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो GDP बढ़ेगी। तो आप देखिए, दिस इज़ कॉल्ड एज मनी मल्टीप्लायर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अल्टीमेटली मनी को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है कि GDP अल्टीमेटली बढ़ रही है। सो जितना ज़्यादा कैश डिपॉजिट रेशियो या करेंसी डिपॉजिट रेशियो, उसका मतलब है कि मनी मल्टीप्लायर कम रहेगा, और जितना कम होगा कैश डिपॉजिट या करेंसी डिपॉजिट रेशियो उतना मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा रहेगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट इज पेड अप कैपिटल। अब द अमाउंट अ मनी द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर इन एक्सचेंज फॉर शेयर्स ऑफ द स्टॉक। तो शेयर मार्केट में फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने अपने 1,000 शेयर्स जो हैं वो बेचे,
एट ₹100 पर शेयर। तो ये कितना पैसा कंपनी के पास आया, 1000 × 100, दिस कम्स आउट टू बी 1 लाख रुपीज़। अब 1 लाख रुपीज़ जो कंपनी के पास आया इन शेयर्स को बेच के, उसी को कहा जाएगा पेड अप कैपिटल। तो जब भी कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को बेच के पैसा जनरेट करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट इज रोल ओवर रिस्क। तो इट इज़ द रिस्क एसोसिएटेड विद द रीफाइनेंसिंग ऑफ अ डेट। तो फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने एक आदमी को लोन दिया, एक ए आदमी था, उसको 1 लाख रुपया लोन दिया। सो बैंक ने 1 लाख रुपया लोन दिया एक आदमी को और उसने लोन पे डिफॉल्ट कर दिया। अब उस केस में क्या हो गया, ये लोन बैंक को वापस मिला नहीं। अब बैंक को लगा कि ये आदमी बोलता कि मुझे और थोड़े पैसे दे दो, मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा और मैं फिर आपका सारा पैसा रीपे कर दूँगा। तो बैंक क्या करता, उस डेट को, उस उधार को रीफाइनेंस कर देता। तो उसके साथ भी रिस्क क्या कि अगली बार भी अगर इसने डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक को और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। सो दैट इज़ कॉल्ड एज रोल ओवर रिस्क। तो द रिस्क एसोसिएटेड विद रीफाइनेंसिंग ऑफ डेट, जब आप डेट को रीफाइनेंस करते हो उसका जो रिस्क है, दैट इज़ कॉल्ड एज रोल ओवर रिस्क। नेक्स्ट इज एक्सपेंशनरी मोनिट्री पॉलिसी। सो एक्सपेंशनरी मोनिट्री पॉलिसी में क्या है कि इट इज़ वेन अ सेंट्रल बैंक यूजेज इट्स टूल्स टू स्टिमुलेट द इकॉनमी, यानी इकॉनमी को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, जब सेंट्रल बैंक, ध्यान रखिएगा मोनिट्री पॉलिसी है तो कौन देख रहा है, सेंट्रल बैंक देख रहा है इकॉनमी को बढ़ाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंशनरी मोनिट्री पॉलिसी। इसमें क्या किया जाता है, मनी सप्लाई बढ़ाई जाती है, क्योंकि जब मनी बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो हमको प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, यानी कि जीडीपी बढ़ेगी। तो इट इंक्रीजेज द मनी सप्लाई बाय लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कम कर दिए जाते हैं, इसका मतलब लोन सस्ता मिलेगा, जब लोन सस्ता मिलेगा तो ज़्यादा लोग लोन लेंगे, जब ज़्यादा लोग लोन लेंगे तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा, डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड जब क्रिएट होगी तो फिर प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो जीडीपी बढ़ेगी। सो उन्होंने बोला कि मनी सप्लाई बढ़ती है उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, सेंट्रल बैंक इसको यूज़ करता है इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने में, बढ़ावा देने में, किस टाइम पे, जब रिसेशन का पीरियड चल रहा होता है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था रिसेशन वो पीरियड होता है जिसमें डिमांड कम होती है, तो उसको अगर लगे कि रिसेशन का पीरियड चल रहा है या हो सकता है आगे आने वाले कुछ सालों में रिसेशन आ जाए, जिसको हमने बोला एंटीसिपेशन में, तो उस केस में जो है सेंट्रल बैंक एक्सपेंशनरी मोनिटरी पॉलिसी यूज़ करता है। और इसमें क्या है कि आप पॉलिसी रेट्स, जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये कम कर दो, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मतलब है कि परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड रिडक्शन इन रिजर्व रेशो। रिजर्व रेशो में आता है आपका CRR और SLR, ये अगर आप कम कर दोगे तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा उस चीज़, लोगों को लैंड करने के लिए, और फिर उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के केस में क्या है कि लोगों से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी जाएगी RBI के द्वारा और लोगों को इसके बदले में पैसा दिया जाएगा, मनी दी जाएगी, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो उस केस में इट इज़ कॉल्ड एज एक्सपेंशनरी मोनिट्री पॉलिसी। तो ये RBI यूज़ करता है टू स्टिमुलेट द इकॉनमी। नेक्स्ट आ गया कॉन्ट्रैक्शनरी। अब कॉन्ट्रैक्शनरी इसका उल्टा है, इसमें करना क्या है, इसमें डिमांड को कम करना, और ये नॉर्मली किया जाता है जब इन्फ्लेशन जो है वो बड़ी हाई होगी होती है, तो डन टू फाइट इन्फ्लेशन। और इसकी वजह से क्या होता है, आप जानबूझ के डिमांड कम करते हो, जब आप डिमांड कम करते हो तो आपको क्या करनी पड़ती है, सप्लाई भी करनी कम करनी पड़ती है, सप्लाई कम की मतलब प्रोडक्शन कम की, प्रोडक्शन कम की तो आपकी GDP ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगी। पर लॉन्ग रन में जब एक बार इन्फ्लेशन स्टेबलाइज हो जाती है, उसके बाद ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और स्मूदर बिजनेस साइकिल्स जो है वो लेके आता है। बट यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछे कि कॉन्ट्रैक्शनरी मोनिट्री पॉलिसी में क्या किया जाता है, तो उसमें सिंपली आप एक्सपेंशनरी का उल्टा कर देंगे कि मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाएगा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उनको सेल किया जाएगा, और रिडक्शन की जगह इंक्रीज़ इन रिजर्व रेशो। तो सारा एक्सपेंशनरी का उल्टा हो जाएगा, जिससे कि
मनी जो है एक्सेसिव मनी मार्केट में कम हो जाएगी, जब मनी कम होगी तो डिमांड कम होगी, जब डिमांड कम होगी तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी और प्राइजेस स्टेबल हो जाएंगे। सो ये आप चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, अब वो तो था मोनिटरी पॉलिसी, ये फिस्कल पॉलिसी है तो ये गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। सो गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी उसी के लिए, रिसेशन को फाइट करने के लिए या फिर डिमांड बढ़ाने के लिए, काम एक ही है, सिर्फ करने वाले अलग अलग है। डिक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस कम कर दिए जाएंगे, जब पहले किसी चीज़ पे 5% टैक्स लग रहा है, अब आप उस पर 1% लगा दो तो ऑब्वियसली उसकी उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दो, गवर्नमेंट अगर पैसा खर्चना शुरू कर दे ज़्यादा मार्केट में, तो गवर्नमेंट पैसा कैसे करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, तो इन्वेस्टमेंट करेगी तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, जब जॉब्स मिलेंगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, जब मनी आएगी तो उनके वो डिमांड क्रिएट करेगी, जब डिमांड क्रिएट करेगी तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो अल्टीमेटली आपकी जीडीपी भी इंक्रीज़ करेगी। या फिर दोनों चीज़ें की जाती है, टैक्सेस कम कर दिए जाते हैं और स्पेंडिंग बढ़ा दी जाती है, जिससे लोगों को चीज़ें सस्ती मिलती हैं और लोगों के पास पैसा भी आता है और अल्टीमेटली जीडीपी जो है वो फ्लरिश करती है। इसके ऑपोजिशन में आ गया कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, अब इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, टैक्सेस बढ़ जाएंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाएगी, या दोनों चीज़ें हो जाएगी, और ये किया जाता है इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए। इस केस में क्या होगा, टैक्सेस अगर बढ़ाएंगे तो चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जब डिमांड कम हो जाएगी तो फिर आप क्या कर सकते हो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो, बट इसका रिजल्ट क्या होता है कि जीडीपी जो है वो गिर जाती है। क्यों, क्योंकि डिमांड जो है वो कम हो गई है, उस केस में जीडीपी पे इफेक्ट नेगेटिव रहता है। सो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो मैंने इसमें डिस्कस किए। इसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ मैसेज करके आप दोनों पार्ट्स के, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। सो थैंक यू सो मच।